ध्यान दे, तुम लोग को क्या क्या पढ़ा दिया था? अपवर्तन बता चुके थे ना। अपवर्तन क्या बताए थे? जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपना पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर तुम लोग को दो नियम बताए थे। पहला क्या बताए थे कि जब सघन से पहले एक पहला वाला बताओ, जब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है। उसके जब सघन से विरल जाता है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर भागता है। इसे बता चुके थे ना। फिर आप वर्तमान किसे कहते हो सब बता चुके थे। फिर बताए थे प्रकाश की चाल कितना होता है निर्वात में? 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड। और कांच में कितना बताए थे? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना दूरी तय करता है प्रकाश। आप वर्तमान बता चुके हैं। अब देखते हैं दैनिक जीवन में, अब देखते हैं दैनिक जीवन में दैनिक अपवर्तन का कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव जगह पर दैनिक जीवन समझ रहे हैं ना, मतलब डेली जो हम लोग का लाइफ है, जो जो देखते हैं तो कहाँ कहाँ प्रकाश का अपवर्तन हम लोग को देखने मिलता है, वो होगा दैनिक जीवन। क्या हो गया? डेली लाइफ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कोई मान लो यहाँ पर बर्तन है, क्या बर्तन इसे पानी भर दिए, क्या भर दिए? पानी भरा हुआ है। इसमें सिक्का रख देगा ना, सिक्का रख देगा तो सिक्का जहाँ पर वहाँ दिखाई नहीं देगा, थोड़ा क्या देता है? ऊपर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? यानी सिक्का अपना स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ऊपर, यानी जहाँ पर वो सिक्का है, या मान लो यहाँ मछली है, क्या है? मछली कैसे बनता है? ऐसे बनता है, चल यहाँ मान लो मछली है, कौन सी है, तो मछली जहाँ दिखाई दे रहा है, मछली वास्तव में यहाँ पर है, लेकिन मछली यहाँ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा कहाँ दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा। कहाँ हो देगा? ऊपर दिखाई देगा, यानी अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। किसके किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन कारण, प्रकाश के। अब यहाँ पर तुम भाला लेगा, भाला लेके तुम सोचेगा कि यहाँ मार देंगे तो मर जाएगा, नहीं मरेगा, क्योंकि मछली कहाँ है? नीचे, कहाँ है? नीचे है। किसके कारण मछली अपना वास्तविक स्थिति थोड़ा ऊपर दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन कारण। किसके कारण सिक्का अपने वास्तविक स्थिति थोड़ा ऊपर दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन कारण, प्रकाश के। उसी प्रकार यहाँ पर मान ले कि पानी भरा हुआ है और इसमें एक छड़ डुबा दिया, क्या डुबा दिए? छड़ को डुबा दिए, तो छड़ जो है ना देखेगा छड़ को, यहाँ बर्तन कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, तो ना बाहर से दिखेगा। हाँ, और छड़ को जब देखेगा तो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? छड़ मतलब तुम्हारा ऐसे है, पूरा ऐसे सीधा गया, जब पानी में छड़ को डाल दिया तो क्या टेढ़ा हो गया? क्या टेढ़ा तो नहीं होगा? टेढ़ा होगा कभी छड़? कभी भी छड़ टेढ़ा होगा? छड़ कभी टेढ़ा ना होगा, लेकिन दिखाई देगा क्या? थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। यह तो ये सीधे है, लेकिन तुमको प्रतीत होगा थोड़ा टेढ़ा। तुमको क्या प्रतीत होगा? टेढ़ा कैसे दिखाई देगा? तो यहाँ ध्यान दे, थोड़ा एक बार बता देते कैसे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर मान ले छड़ है, डरा हुआ है छड़, और यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से मान ले कोई देख रहा है, तो यहाँ से प्रकाश कहाँ गया? इसका आँख पर गया, इसका आँख पर जा रहा है ना, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से प्रकाश कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है तुम लोग को, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर छड़ डाला हुआ है, छड़ डाल दिए। अब यहाँ ध्यान दे, जैसे यहाँ से क्या जाएगा, इसको मुन्नी को हम देख रहे हैं, तो लास्ट लग छोड़ को देख रहे थे, यहाँ से प्रकाश कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। प्रकाश जैसे बाहर जाएगा तो क्या है? पानी सघन माध्यम है, पानी क्या है? और सघन, हम पढ़े थे कि सघन माध्यम से जैसे प्रकाश विरल माध्यम में जाएगी, प्रकाश विरल माध्यम में जाएगी, तो वह किधर मुड़ती है? अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से तो ये क्या, इसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था, लेकिन सीधा जा पाएगा? थोड़ा अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा। अभिलंब से दूर भाग जाएगा। और यहाँ जो देख रहा है तो इसको लगेगा कि प्रकाश इधर से आ रहा है, लगेगा इसको लगेगा प्रकाश आ रहा है किधर से? इधर से आ रहा है ना। इसको लगेगा प्रकाश किधर से आ रहा है? इस साइड से आ रहा है। फिर दूसरा प्रकाश यहाँ से गया, यहाँ से मान ले फिर दूसरा प्रकाश गया, ठीक है ना, दूसरा प्रकाश गया तो यहाँ भी अभिलंब डालेंगे तो क्या हो गया? वो अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से दूर भागेगा तो ये भी लगेगा किधर से आ रहा है? इधर से। जहाँ मिलेगा वहीं पर क्या होगा? छड़ का बन जाएगा, छड़ छोटा दिखाई देगा और क्या, यहाँ से तिरछा दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देने लगा? तिरछा। क्या दिखाई देने लगा? तो यहाँ पर छड़ डाल दें या कोई पेंसिल डाल दें या कुछ भी डाल दें तो क्यों पानी में क्या दिखाई देता है? तिरछा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन कारण है, प्रकाश के। मछली अपना वास्तविक स्थिति थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन कारण। सिक्का अपने वास्तविक स्थिति थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन कारण, प्रकाश के। अब बोलेगा, तुम्हें क्वेश्चन पूछा है कि मछली तुम देख रहा है पानी में, तो तुमको भाला मारना है, तो कहाँ मारेगा? जहाँ मछली दिखाई दे रहा है वहाँ की थोड़ा उससे नीचे,
तो थोड़ा उसके नीचे मार रहे हैं, कहाँ मार रहा है तब लगेगा, ऐसे ऊपर मारेगा तो मछली ऊपर दिखाई दे रहा है लेकिन ऊपर है नहीं, कहाँ है नीचे कहाँ है। ये सब क्या है, दैनिक जीवन का प्रयोग, दैनिक जीवन का घटना है, क्या है दैनिक जीवन का घटना। तो पहला क्या हो गया, पानी में रखे सिक्का का, पानी में रखे सिक्के का अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देना, थोड़ा ऊपर दिखाई देना, किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन दिखाई देना। उसी प्रकार सिक्का का ऊपर दिखाई, अच्छा सिक्का हो गया, उसी प्रकार मछली का ऊपर दिखाई देना, मछली का अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देना। तुम लोग देख लेते, बाल्टा ले लो, ठीक है ना, बाल्टा ले लेगा और उसमें यहाँ पर गिलास अथी, वहाँ पर अथी को गिलास या कुछ अथी रख देगा ना, उसमें सिक्का से गिराने देखो उसमें नहीं जाता, जाता जल्दी जाता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि तुमको जहाँ गिलास दिखाई दे रहा है ना वहाँ पर है ना, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं कि छोटा सा ले लगा उसमें डाल देगा, बड़ा बाल्टा होना चाहिए, समझ रहा है ना, उसमें गिलास या कटोरी थोड़ा छोटा सा रख दे, उसमें सिक्का से अगर डालने तो जल्दी नहीं जाएगा उसमें, जाता है अगल बगल गिर जाता है, क्योंकि वो जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर वो ना है, क्या उसके थोड़ा नीचे है या अगल बगल है, क्या है कि वही सिक्का क्या है, जहाँ तुम देख रहे हो वहाँ तुम गिरा देता है लेकिन वहाँ है कि वास्तव में वहाँ नहीं है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, क्या प्रकाश का, इसलिए सिक्का उस बर्तन में नहीं आता, सिक्का उस बर्तन में देखा है इस तरह करके कि नहीं, हाँ तो करके देख लेना, बड़ा बाल्टा लेना, नहीं कि कटोरी लेना, गिलास लेना, उसमें डालना, बड़ा लेना कि ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तन हो, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है पानी में रखे तिरछा, क्या बोल रहे हैं, तिरछा छर या पेंसिल का मुरा दिखाई पड़ना, पेंसिल का थोड़ा मुरा हुआ दिखाई देता है, क्या वास्तव में पानी उसको मोड़ देता है, क्या मोड़ता नहीं है, मुरा दिखाई देता है, इसके कारण प्रकाश के अपवर्तन कारण, तो मुरा दिखाई देना। ये कांच है, क्या कांच के बाहर क्या है, तो हवा भरा है, अरे कांच रख दिए यहाँ तो सारा तरफ हवे है ना, ये यहाँ पर क्या है हवा है, तो हवा क्या हो गया, विरल माध्यम, कल पढ़ाए थे ना, और कांच क्या है, सघन माध्यम, क्या है, तो हवा हो गया विरल माध्यम, कांच हो गया सघन माध्यम, अब प्रकाश आ रही है, तो प्रकाश आ रही है तो ये क्या हो गया, आपतित किरण, क्या हो गया, प्रावर्तन ही पढ़ाए थे ना, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, तो ये क्या हो गया, आपतित किरण। अब प्रावर्तन में क्या होता था, आता था टकरा के लौट जाता था, प्रावर्तन पढ़ाए तुम लोग को, जो आता था उसको आपतित किरण और टकरा कर लौट जाता था, क्योंकि तो उसको बोलते थे प्रावर्तित किरण, क्या बोलते थे, लेकिन यहाँ टकरा के लौटेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर कांच है, क्या है, तो क्या होगा, कांच में प्रवेश करेगा, तो कांच में कैसे प्रवेश करेगा, तो कांच में प्रवेश करेगा तो पहले यहाँ अभिलंब डालते हैं, क्या हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया, तो क्या होता है बताओ, विरल माध्यम से सघन में जा रहा है, हवा क्या है विरल माध्यम, क्या है, और ये कांच क्या है, सघन माध्यम, क्या है, तो विरल से सघन में जा रहा है ना, तो किधर मुड़ेगा, ये किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर, किधर मुड़ेगा, इसे जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था, नहीं सीधा जा पाएगा नहीं, किधर मुड़ जाएगा, ये अभिलंब की ओर, किधर मुड़ गया, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया, अभिलंब की ओर, किधर मुड़ गया, तो ये आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, ये कौन किरण हो गया, आपतित किरण, ये कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब, क्या कहते हैं, तो ये क्या हो गया, अभिलंब, ये क्या हो गया, और दूसरा माध्यम में जो मूर्ख किरण जाता है, जो किरण मूर्ख के उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, क्या बोलेंगे, पढ़ रहे हैं अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए बोलेंगे अपवर्तित किरण, तो ये कौन सा किरण हो गया, ये वाला किरण कौन हो गया, अपवर्तित किरण, क्या हो गया, अपवर्तित, तो दूसरी माध्यम में, दूसरी हवा एक माध्यम हो गया, कांच दूसरा माध्यम हो गया, तो दूसरा माध्यम में जो किरण मूर्ख के जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, क्या बोलते हैं, लेकिन जो यहाँ पर परावर्तन में तुम लोग पढ़ाए थे, जो टकरा के लौट जाता है उसको बोलते थे परावर्तित किरण, क्या बोलते थे, लेकिन यहाँ परावर्तित बोलेंगे क्या, यहाँ लौट नहीं रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है, क्या हो रहा है, अपवर्तन पर रहता है, अपवर्तित किरण अपरावर्तन पर रहता है, परावर्तित बोले थे, तो ये क्या हो गया, आपतित किरण, आने वाले किरण को दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण, देंगे दो चार यहाँ ध्यान देना बंदर, तो दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाला किरण को अपवर्तित किरण, क्या हो गया, अब यहाँ ध्यान दे एक चीज़ और, अब यहाँ ध्यान दे, किरण फिर बाहर निकलेगा,
किरण बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा यहाँ से। कांच है तो कुछ दिमाग में लगाता तुम लोग? मतलब कुछ बोल देना है, किरण बाहर निकलेगी यहाँ पर तो क्या डालना पड़ेगा? विलम्ब डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा? क्योंकि अभिलम हर झाड़ जगह डालते हैं ना। तो आप जब यहाँ से किरण बाहर निकलेगी, यहाँ से किरण तो बता ये कहाँ से बाहर निकल रही है? कहाँ से बाहर निकल रही है? कहाँ जाएगी? हवा में जाएगी? कहाँ जाएगी? हवा में। कहाँ जाएगी? तो हवा बिरल की सघन, हवा बिरल की सघन बिरल है तो सघन से कहाँ जाएगा? बिरल सघन से कहाँ जाएगा? सघन से कहाँ जाएगा? तो किधर भागेगा? अभिलम्ब की ओर, कि अभिलम्ब से दूर। तो जब सघन से बिरल में आता है, तुमने पढ़ाए थे जब सघन से बिरल में आता है क्या होता है? अभिलम्ब से तो अभिलम्ब से दूर भागेगा। उसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था लेकिन सीधा जा पाएगा नहीं। क्या होगा ये? अभिलम्ब से, अभिलम्ब से दूर भाग जाएगा। अभिलम्ब से तो अभिलम्ब से दूर भाग गया ने, भाग गया ने। तो देख आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण को दूसरी माध्यम में, दूसरा माध्यम है ना, दूसरी माध्यम में मुड़ कर जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण और निकलने वाले किरण को, आप निकल गया ना, कहाँ से निकल गया ना, तो निकलने वाले किरण को निर्गत किरण कहते हैं। याद हुआ तीनों? निकलने वाले किरण को निर्गत किरण कहते हैं और तल पर डाले गए लम्ब को, तल पर डाले गए, तल पर डाले गए लम्ब को क्या कहते हैं? अभिलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तीनों समझ आ गया, तीनों समझ आ गया कि पहले क्या बताए थे? आपतित किरण क्या बताए थे? पहले क्या बताए थे? आपतित किरण, निर्गत किरण लिख रही है आपतित किरण, आपतित तो आने वाले किरण को, आने वाले, आने वाले, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण हो गया। फिर बताए थे ये क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है? ये क्या है? सॉरी परावर्तित ना, यहाँ अपवर्तन पड़ रहा है ना, तो अपवर्तित। ये कौन सा कैसा किरण है? अपवर्तित है। कैसा है? तो अपवर्तित किरण किसको बोलेंगे? तो दूसरी माध्यम में, दूसरी मुड़ कर जाने वाले किरण को, मुड़ कर जा रहा है ना, दूसरी माध्यम में मुड़ कर जाने वाले किरण को, दूसरी माध्यम में यहाँ बोलेंगे दूसरी माध्यम में, दूसरी दूसरी माध्यम में मुड़ कर जाने वाले किरण को, मुड़ कर जाने वाली। अरे ऐसे रटना है, ऐसे तो पिक्चर देख के बोलना है। दूसरी माध्यम में मुड़ कर जाने वाली वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण क्यों? क्योंकि पढ़ रहे हैं अपवर्तन, अपवर्तित, परावर्तन, परावर्तित बोलते थे, अपवर्तन में अपवर्तित बोलेंगे, अपवर्तित किरण कहते हैं। हाँ अपवर्तित किरण कहते हैं। अरे बाहर निकल गया ना, ठीक है, कौन किरण हो गया? निर्गत किरण। क्या हो गया? यह बाहर निकल गया ना, कांच से बाहर निकल गया तो कैसा किरण हो गया? निर्गत किरण। कैसा हो गया? तो निर्गत किरण किसे कहेंगे? तो दूसरी माध्यम से बाहर निकलने वाले किरण को उसी को बोलेंगे। हाँ तो निर्गत किरण, निर्गत तो क्या बोलेंगे? बाहर निकलने वाले किरण को, डायरेक्टली देता है बाहर निकलने वाले किरण को, बाहर निकलने वाले, बाहर निकलने वाले वाले किरण को निर्गत किरण कहते हैं। बाहर निकलने वाले किरण को निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। इतना तो कोई दिक्कत है? अभिलम्ब किसे कहते हैं? तो तुम लोग अभिलम्ब तो परावर्तन ही पढ़ाए थे। तल पर डाले गए लम्ब को अभिलम्ब कहते हैं। इस मान ले तल है, ये क्या है? तल है तो यहाँ पर कहीं भी लम्ब डाल दे, लम्ब यानी 90 डिग्री, लम्ब यानी 90 डिग्री, लम्ब यानी तो तल पर कहीं भी लम्ब डाल दे तो क्या बोलेंगे? अभिलम्ब। क्या बोलेंगे? मैथ में बोलते हैं लम्ब और फिजिक्स में बोलते हैं अभिलम्ब। क्या बोलते हैं? तो अभिलम्ब तो तुम लोग परावर्तन ही पढ़ा चुके हैं ना। अभिलम्ब कैसे कहते हैं? तल पर डाले गए लम्ब को, तल पर डाले गए, तल पर डाले गए लम्ब को अभिलम्ब कहते हैं। तल पर डाले गए लम्ब को अभिलम्ब कहते हैं। अभिलम्ब कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब पढ़ेंगे कि जैसे परावर्तन के तुम लोग दो नियम बताए थे, याद है? परावर्तन कितना नियम बताए थे? दो नियम। पढ़ा के नियम क्या बताए थे? आपतित किरण। परावर्तन में क्या बताए थे? परावर्तन जब तुम लोग को पढ़ाए थे तो क्या पढ़ाए थे? मान यहाँ ध्यान दे, परावर्तन में तुम लोग को पहला नियम क्या बताए थे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलम्ब, उस बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या पढ़ाए थे? कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आई बराबर, यही पढ़ाए थे ना। और लेकिन यहाँ बराबर होगा कौन? क्या यहाँ इसको इसको बोलेंगे आई, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे? दोनों बराबर होगा यहाँ। तो परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता था,
लेकिन अपवर्तन में आपतन कौन और यहाँ पर आवर्तन कौन नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे अपवर्तन कौन, क्या बोलेंगे? अपवर्तन पढ़ रहा है ना, तो बोलेंगे अपवर्तन कौन, क्या बोलेंगे? तो बता परावर्तन कौन और अपवर्तन कौन बराबर होगा? यहाँ बराबर होगा, यहाँ बराबर होगा, तो यहाँ बराबर, यहाँ बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुड़ गया किरण, क्या होगा? मुड़ गया। तो देखिए आप आपतन कौन किसे कहेंगे, तो आपतन कौन किसे कहेंगे ये बता, आपतन कौन? तो आपतित किरण, या आपतित किरण हो गया और अभिलंब, आपतित किरण और, आपतित किरण और, तो बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कौन को आपतन कौन कहते हैं? तो आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण और अभिलंब के, सब तो बहुत ईजी है, फटाफट सब निकल, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कौन को, के बीच के कौन को, कौन को अभिलंब कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी आपतन कौन कहते हैं, आपतन कौन, आपतन कौन कहते हैं, आपतन कौन आप बता, यहाँ पर बोलेंगे परावर्तन कौन बोलेंगे, अपवर्तन कौन बोलेंगे, अपवर्तित कौन होता है, यहाँ पर परावर्तन कौन बोलेंगे, अपवर्तन कौन बोलेंगे, तो अपवर्तन पढ़ रहा है ना, तो यहाँ बोलेंगे अपवर्तन कौन, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कौन, तुम लोग ये नहीं ले लेना, ये तो कल्पना किए है ना, ये लेना है, देख रहा है ना, तो अपवर्तन कौन कैसे कहेंगे जल्दी बता, तुम लोग अपवर्तन कौन किसे कहेंगे, अपवर्तन कौन किसे कहेंगे जल्दी बताओ, तो यहाँ ध्यान दे, अपवर्तन कौन किसे कहेंगे, तो ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब और, अभिलंब और, या इधर से बोल, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाला कौन को, बीच वाला कौन को क्या कहेंगे, अपवर्तन कौन क्या कहेंगे, तो यहाँ लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के, अभिलंब के बीच के कौन को, कौन कौन कहेंगे, अपवर्तन कौन कहते हैं, अपवर्तन कौन कहते हैं, हैं तुम लोग पता है कि आपतन कौन को किससे इंडिकेट करते हैं, आपतन कौन को आई से, पता है ना, और अपवर्तित अपवर्तन, अपवर्तन कौन को, आर से, अपवर्तन कौन को, तो ये मेरा क्या हो गया, आपतित कौन हो गया, सॉरी आपतन कौन हो गया, तो ये आई हो गया, ये अपवर्तन कौन हो गया, तो आर हो गया, समझ आया तुम लोग को, इतना समझ आ रहा है, अब यहाँ ध्यान दे, अब इसको इसको भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दे, ऊपर वाला क्या करना है, भूल जाना, क्या करना, ऊपर वाला भूल जाना है कि समझने, अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, तो इसके लिए यहाँ पर जब ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, एक माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम हो गया, ऊपर नहीं देखना है, सिर्फ इतने देखना है यहाँ पर, तो एक माध्यम एक दूसरा माध्यम हो गया, तो ये किरण आ रही है यहाँ पर, ये किरण आ रही है, तो आपतित किरण हो गया, आपतित किरण ना हो जाएगा, अगर उसको भूल जाएंगे तब, तो यहाँ से किरण इसमें आ रही है, तो आपतित किरण हो जाएगा, ये अभिलंब है, तो ये दोनों बीच कौन जो बने उसको क्या बोलेंगे, आपतन कौन बोलेंगे, आपतन कौन नहीं बोलेंगे, तो किसको क्या बोलेंगे, आई, आई ना हो जाएगा, हो जाएगा आई, अब यहाँ से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो ये अपवर्तित हो रही है, अपवर्तित ना हो रही है, दूसरा माध्यम जा रहा है ना, तो किरण क्या हो रहा है, अपवर्तित क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रही है, अपवर्तित हो रही है ना, तो यहाँ पर भी कौन बन रहा है, बन रहा है ना, अपवर्तित किरण, ऐसे तो निर्गत किरण बोलते हैं, लेकिन सिर्फ इतना पर ध्यान देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं देखना है, सिर्फ इतना पर अगर हम ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, ऊपर लगा भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या बोलेंगे, आर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, आर आप बोल सकते हैं, अब यहाँ ध्यान दें, यह किसके बराबर होगा, ये कौन किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि इसके बराबर होगा कि इसके बराबर होगा, तो देखें आप, तो बाहर ला कौन बाहर के बराबर होगा, क्या होगा, बाहर ला कौन बाहर के बराबर, यानी ये कौन किसके बराबर होगा, इसके, समझ रहा है ना, बाहर ला कौन बाहर के बराबर और अंदर वाला कौन अंदर के बराबर, समझ रहा है ना, अगर ये होगा 30 डिग्री तो ये भी, अगर ये होगा 45 डिग्री तो ये भी, 45 हम बोलते तो 50 बोलता है, अगर ये होगा 60 तो ये भी 60, ये भी, और अंदर वाला जो कौन है अंदर के बराबर होगा, अंदर के, अगर ये 15 डिग्री तो ये भी, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, समझ आ रहा है, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, तो अंदर वाला अंदर के बराबर, बाहर वाला बाहर के बराबर, इतना समझ आया तुम लोग को, ये पूछा समझ आ रहा है ना, अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग को बताते हैं कि अगर 90 डिग्री पर आया तो क्या होगा, 90 डिग्री पर आया तो ऐसा ही कांच है, ये क्या है, दिखाई देगा, पहले तुम इतना बना ले, ठीक है ना, यहाँ पार्ट टू लिखना भूल गए, ये क्या है, पार्ट टू है, क्या है, पार्ट वन पढ़ा चुके हैं कल, ये क्या है, पार्ट टू, क्या है, पार्ट टू है, आई लोग बताना चाहते हैं कि मेरा एक शो चैनल है, जा सब्सक्राइब करो अभी तुरंत, जगदेव
ब्लॉग, मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना है ठीक ना, जगदेव ब्लॉग है ठीक है। सब अभी 5-6 वीडियो डाल चुके हैं, जाके जल्द सब्सक्राइब कर लो। चल यहाँ ध्यान दे तुम लोग, अरे यहाँ ध्यान दे तुम लोग, अब ये बना रहा है हम कांच, क्या बना रहा है यहाँ ध्यान दे, अब अंदर यहाँ ध्यान दे, ये कांच बना दिए ना, ये क्या है मेरा कांच है, क्या है कांच, ये क्या है कांच है, ये क्या हो गया कांच, अब यहाँ ध्यान दे, और ये इधर इधर क्या है हवा है, अरे कांच को रख दे तो सारी तरफ क्या हवा है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हवा, यहाँ क्या है हवा है, क्या है तो हवा क्या हो गया विरल माध्यम, क्या हो गया हवा विरल हो गया, और कांच क्या हो गया मेरा कांच हो गया सघन, कांच हो गया सघन माध्यम हो गया, क्या हो गया, अब यहाँ ध्यान दे यहाँ प्रकाश आ रही है, ये हो गया आपतित किरण, क्या हो गया अब अभिलंब डालते हैं हर जगह, अभिलंब यानी लंब, अभिलंब यानी 90 डिग्री पर डालते हैं उसको बोलते हैं लंब को ही अभिलंब बोलते हैं, लंब को ही नहीं, पहले यहाँ ध्यान दे उसके बाद लिखना। अब बताइए कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम सघन माध्यम में जा रहा है, तो इसको जाना चाहिए था क्या, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा जा पाएगा नहीं, ये किधर मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा, ध्यान से जहाँ से पढ़े तो मार के इतना मारेंगे होश में जाएगा गधा का, बैठ के फिर यहाँ का बुद्धि करेगा, विरल माध्यम सघन में जाएगा तो किधर जाएगा, अभिलंब की ओर के अभिलंब से दूर, अभिलंब से अभिलंब की ओर के अभिलंब से दूर, तो जब विरल से सघन में जा रहा है किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर किधर मुड़ गया, अभिलंब की ओर किधर मुड़ गया, तो यह क्या हो गया, हो गया आपतित किरण, क्या हो गया आने वाले किरण को आपतित किरण, ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया अपवर्तित किरण, क्या हो गया अपवर्तित किरण, ये क्या हो गया अपवर्तित किरण, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे आपतन कोण, जिसको आय से इंडिकेट करेंगे, इसको आय से, और यहाँ पर ये अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन जिसे हम आर से इंडिकेट करेंगे, इसे क्या करेंगे आर से इंडिकेट करेंगे। अब बता कौन बंद कर यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ देखना क्या तुम लोग जानवर से कर रहा है, ये क्या है आपतन कौन, ये क्या है अपवर्तन कौन, तो बता कौन कौन बड़ा होगा, आपतन कौन बड़ा होगा, अपवर्तन कौन बड़ा होगा, कौन कौन बड़ा होगा आपतन कौन का अपवर्तन कौन, तो आपतन कौन बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह है, यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ गया, जगह कम हो गया, तो अपवर्तन कौन छोटा होगा, कब छोटा होगा, तो आपतन कौन बड़ा और अपवर्तन कौन छोटा कब होता है, जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम में जाता है ना, तो पूछेगा बताओ कि आपतन कोण बड़ा और अपवर्तन कोण छोटा कब होता है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, समझ गया है? अब यहाँ उल्टा हम दे रहे हैं ठीक है ना, उल्टा कर रहे हैं, अब सघने समझे कहाँ दे रहे हैं विरल में, कहाँ दे रहे हैं, तो देख यहाँ पर इसे यहाँ से एक किरण जा रही है, तो कहाँ जा रही है कांच से जा रही है, ये कांच में रख दिए टॉर्च, क्या रख दिए, और यहाँ से लाइट मारे तो कहाँ कांच से बाहर निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, तो अभी कहाँ है कौन माध्यम में, अभी है अभी कौन माध्यम में, अब जब जैसे जहाँ दो माध्यम को अलग करने से जहाँ सता रहता है वहाँ क्या डालते हैं अभिलंब डालते हैं, तो यहाँ डाल देते हैं अभिलंब, यहाँ क्या डाल दिए अभिलंब, अभिलंब डाल दिए, अब ये सघन माध्यम में अभी है, अब कहाँ जाएगा, हवा में जाएगा, तो हवा कैसा माध्यम है विरल माध्यम, कैसा माध्यम है, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो किधर अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से इसको जाना, इसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था सीधा जा पाएगा नहीं, ये क्या होगा अभिलंब से, अभिलंब से दूर भाग जाएगा, अभिलंब से क्या होगा, ये अभिलंब से दूर भाग गया, अभिलंब से दूर भाग गया, इसको जाना चाहिए सीधा सीधा जा पाएगा नहीं, ये क्या हुआ अभिलंब से, आप देखिए किरण आ रही है, ये किरण जा रही है ना, ये आ रही है ना, तो आ रही है इधर से आ रही है ना, ये हो गया आपतित किरण, ये क्या हो गया इसको आपतित नहीं बोल देना, किधर से आ रही है वो ध्यान दे, किधर से आ रही है, इधर से आ रही है ना, ये क्या हो गया आपतित किरण, ये क्या हो गया आपतित किरण, आपतित, और ये क्या है अभिलंब, ये क्या है अभिलंब, ये क्या है, और ये अपवर्तित हो गया, ये क्या हो गया अपवर्तित किरण, क्या हो गया यहाँ ध्यान देगा तू, अभी 2-3 मिनट हम देना आएंगे, ये क्या हो गया अपवर्तित किरण, ये क्या हो गया अपवर्तित किरण, ये क्या हो गया अपवर्तित किरण, समझ गया इतना तक, और आप बता आपतित किरण अभिलंब के बीच कौन को आपतन कौन, नहीं बोलेंगे आपतन कौन, आपतित किरण अभिलंब के बीच कौन को आपतन कौन, आपतन कौन को आय से निकल करते हैं, और यह अभिलंब अति अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन को अपवर्तन कौन कहते हैं, जिसे आर से निकल करते हैं, समझा गया, तो अब बता कौन बड़ा होगा, यह आपतन कौन बड़ा होगा कि अपवर्तन कौन बड़ा होगा, तो अपवर्तन कौन बड़ा होगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा जगह है, ये कौन की ज्यादा जगह है ना, तो अपवर्तन कौन बड़ा होगा, क्योंकि ये किरण इधर झुक गया ना, जब इधर झुका तो अपवर्तन कौन क्या होगा बड़ा, क्या होगा, और आपतन कौन क्या होगा
छोटा, तो छोटा आपतन कोण छोटा और अपवर्तन कोण बड़ा कब होता है? जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तब ना हो रहा है। यहाँ पर देख, यहाँ आपतन कोण बड़ा है, अपवर्तन कोण क्या है? छोटा। लेकिन यहाँ पर क्या अपवर्तन है? आपतन कोण छोटा हो जा रहा है, अपवर्तन क्या हो रहा है? बड़ा। तो दोनों उल्टा है ना। तो आपतन कोण बड़ा, यहाँ ध्यान दे, आपतन कोण, आपतन कोण बोले तो आई, आपतन कोण बोले तो आई, और अपवर्तन कोण बोले तो अपवर्तन कोण बोले तो आर। तो आपतन कोण बड़ा, बड़ा है तो धर्म खुल गया। आपतन कोण बड़ा और अपवर्तन कोण छोटा कब होता है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाता है। तो आपतन कोण बड़ा हो गया, अपवर्तन कोण छोटा हो गया, कब होता है? जब प्रकाश, जब प्रकाश विरल माध्यम से, विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में। तुम लोग यहाँ अभी पूछेंगे तो तुम लोग पीटेंगे बहुत, रुक, समझता मुझे कोई नहीं। सघन माध्यम में खाली छापना है ये लोग को, बंदर का ये क्या, ये समझ गया। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ आपतन है छोटा है। क्यों क्यों छोटा है? क्योंकि ये अभिलंब की ओर है ना, यहाँ कम जगह है, यहाँ ज़्यादा जगह है, यहाँ ज़्यादा जगह। क्यों? क्योंकि अभिलंब से दूर भाग गया। तो यहाँ आपतन छोटा, अपवर्तन, तो आपतन कौन? दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर पिक्चर में, चित्र नंबर वन। ये चित्र, ये क्या हो गया? चित्र वन। ये क्या हो गया? चित्र टू। चित्र तो दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में आपतन कौन? आपतन, आपतन कौन बोले तो आई, आपतन कौन बोले तो आई। और इधर क्या है? अपवर्तन कौन? क्या है? अपवर्तन कौन लिख रहे हैं? अपवर्तन कौन बोले तो आर। अपवर्तन कौन बोले तो दूसरा नंबर पिक्चर में कौन बड़ा है? अपवर्तन कौन बड़ा है? अपवर्तन कौन बड़ा है ना? आपतन कौन छोटा है ना? कि मुँह किधर खुलेगा? इधर खुलेगा, इधर मुँह खुलेगा, इधर मुँह खुलेगा ना। तो ये अपवर्तन कौन बड़ा कब होता है? जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है। जब प्रकाश सघन से, यहाँ लिखेंगे अपवर्तन कोण बड़ा कब होता है? जब प्रकाश, जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन से, सघन से विरल में जाती है, विरल में जाती है। ये समझ आ गया? तो पूछेगा कब आपतन कोण बड़ा होगा, कब अपवर्तन कोण बड़ा होगा, बता देगा, बता देगा ना। अब तुम लोग को पढ़ाए थे क्या? परावर्तन जब पढ़ा रहे थे तो उस समय तुम लोग को पढ़ाए थे परावर्तन का नियम, पढ़ाए थे परावर्तन का कितना नियम पढ़ाए थे? दो नियम। कितना पढ़ाए थे? दो नियम। पहला नियम क्या पढ़ाए थे? तो पहला नियम पढ़ाए थे आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है, पढ़ाए थे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, और अब यहाँ देखिए जैसे आपतित हो रहा है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया, उस बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है। जिस तरह यहाँ बोले थे उसी तरह यहाँ बोलना है। यहाँ बोलते परावर्तित किरण, यहाँ बोलना अपवर्तित किरण, यहाँ बोलते परावर्तित किरण, यहाँ बोलना है तो बोल देगा। तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यहाँ से आपतित हो रहा है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम हो गया। क्या हो गया? तो अपवर्तन का भी कितना नियम? तीन नियम है। तुमको तो अभी पीटेंगे दम भर। कितना नियम? परावर्तन का भी दो नियम, अपवर्तन का भी दो नियम। तो लिखना अपवर्तन का कितना नियम? तो अपवर्तन का दो नियम होता है। कितना होता है? परावर्तन कितना नियम? तो दो नियम। अपवर्तन का भी कितना नियम? पहला नियम दोनों सेम है ना, है जहाँ पर परावर्तित किरण बोलते थे वहाँ बोलना अपवर्तित किरण। क्या बोलना है? तो क्या बोलना है? देख यहाँ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो क्या बोलना है? आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा उस बिंदु पर डाला गया, तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। अभिलंब तीनों, तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम वहाँ पर परावर्तन में हम क्या पढ़े थे कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो यहाँ था आपतन कौन, यहाँ था परावर्तन कौन, तो यहाँ बराबर होता था, होता था ना, आपतन कौन बराबर परावर्तन कौन। लेकिन यहाँ कभी होगा आपतन कौन बराबर कभी अपवर्तन कौन होगा? यहाँ पर कभी आपतन कौन बराबर अपवर्तन कौन होगा? ना, एक बड़ा होता है छोटा होता है, यहाँ बड़ा छोटा होता है ना। तो ये नियम यहाँ पर इसमें काम करेगा? यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ दूसरा नियम काम करता है जिसको बोलते हैं सनेल का नियम। क्या बोलते हैं? तो दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम ध्यान, दूसरा नियम बोलता है
प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण मतलब समझ रहा है, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, प्रकाश में कितना रंग होता है, सात, कितना रंग होता है पता है ना, जब इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश से ना, तो इंद्रधनुष बनता है कितना रंग दिखाता है, सात, कितना दिखता है, प्रकाश में होता है सात रंग, प्रकाश में होता है तो सातों रंग में कोई भी रंग, तो बोल देंगे क्या बोलेंगे, प्रकाश किसी विशेष वर्ण, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए, विशेष वर्ण के कोई भी विशेष वर्ण, सात में से कोई भी रंग हो सकता है, तो प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण, क्या बोलेंगे, आपतन कोण की जिया, जिया मतलब साइन, जिया मतलब तो आपतन कोण की जिया बोल रहे हैं ना, यहाँ देंगे साइन आई, फिर बोलेंगे अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण बोले तो आर, अपवर्तन कोण बोले तो आर, जिया बोले तो साइन, तो अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण यानी कौन सी आर, अपवर्तन कोण यानी और अपवर्तन कोण की जिया, जिया मतलब साइन, जिया मतलब साइन, समझ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, बोले प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष आपतन कोण की जिया, आपतन कोण बोले तो और जिया बोले तो साइन, समझ आ गया, अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण बोले तो आर, जिया बोले तो साइन, समझ रहा है, के अनुपात, अनुपात मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, के अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक होता है, नियतांक को बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं नियतांक को, क्या बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, यू नहीं बोलना है, म्यू क्या बोलते हैं, म्यू क्या बोलते हैं, के अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है, हो गया समझा तुम लोग, तो क्या लिखा है दूसरा नियम, क्या लिखना है दूसरा नियम, लिख रहा है दूसरा नियम, लिख रहा है क्या, प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश में कितना रंग, तो कोई भी रंग के लिए, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग क्या होता है, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया बोले तो साइन, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, तथा अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बोले तो आर, अपवर्तन कोण बोले तो आर, की जिया बोले तो साइन, के अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं यानी प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम ही क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहते हैं पानी भर गया क्या, बंद करने का जल्दी, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं समझ गया, जाके नल खोल दें तो पानी इधर बहने लगेगा, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, समझ गया, स्नेल का नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को ही कहते हैं स्नेल का नियम, क्या कहते हैं, तो क्या बोले थे, यहाँ ध्यान दे, तो स्नेल के नियम क्या हो जाएगा, स्नेल का, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, स्नेल का नियम बराबर क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम बराबर क्या होगा, प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण यानी आपतन कोण की जिया, जिया यानी साइन, जिया यानी साइन, लिख दिए तथा अपवर्तन कोण यानी आर, अपवर्तन कोण यानी आर की जिया, जिया मतलब साइन, जिया मतलब साइन, जिया मतलब साइन, के अनुपात यानी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, के अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है, एक नियतांक, नियतांक को बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे म्यू, क्या बोलेंगे के नियतांक के अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम, स्नेल का नियम समझ गया, तो म्यू बराबर साइन आए बेटा, साइन आर, समझ गया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, तो स्नेल के नियम से यही प्राप्त हुआ, इतना समझ गया तुम लोग, फटाफट इसको लिखा, ये पिक्चर बनाना है फिर इसको लिखना है, ठीक है जल्दी कर, स्नेल के नियम समझ गया ना, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, अब पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन, क्या पढ़ेंगे, पार्श्विक विस्थापन, ध्यान से समझना है इसको, पार्श्विक विस्थापन पिक्चर हर सब बनाना, फिजिक्स में सिर्फ पिक्चर पर है और केमिस्ट्री रिएक्शन पर, अब बायोलॉजी में भी पिक्चर बताते थे ना, ये क्या बना रहे हैं जल्दी बताओ तुम लोग, कांच बना रहे हैं, पानी बना सकते, कोई दिक्कत ना है,
क्योंकि हवा और पानी भी माध्यम हो जाएगा ना, लेकिन कांच ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं? कांच ले रही है, क्या लिए? तो कांच क्या हो गया? सघन माध्यम। ऐसे चारों तरफ क्या है? हवा है, तो हवा क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा विरल माध्यम। क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। अजली कराया हमको फ्रिज तो ख़त्म करना है। यहाँ ध्यान दे, ये क्या, ये कौन किरण आ रही है? आ रही है तो कौन किरण? आपतित किरण। कौन सा किरण? हम यहाँ पर अविलंब डाल दें, अविलंब डाल दिए। अब बताइए कहाँ से आ रही है? तो विरल से सघन में जा रही है। कहाँ जा रही है? विरल से। तो किधर मुड़ेगी? किधर मुड़ेगी? अविलंब की ओर के, अविलंब से दूर, अविलंब क्यों? क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है, तो अविलंब की ओर मुड़ेगा। अविलंब की ओर मुड़ गया। इसको सिरा लेना चाहिए, सिरा नहीं जा पाया सिरा क्या? नहीं, ये किधर मुड़ गया? अविलंब की ओर। किधर मुड़ गया? अविलंब की ओर। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर बाहर निकल रहा है ना, दूसरा माध्यम में जा रहा है, तो फिर क्या डालेंगे? यहाँ भी डालेंगे लम। क्या डालेंगे? लम डाल दिए। लम हो गया। अब ये कहाँ है? अब ये किरण कहाँ है? सघन माध्यम में। कहाँ है? कहाँ आ रहा है? हवा में आ रहा है, यानी विरल माध्यम में आ रहा है। तो किधर जाएगा? अविलंब की ओर मुड़ेगा, अविलंब से दूर भागेगा। अविलंब की ओर मुड़ेगा अविलंब से दूर भागेगा। तो विरल माध्यम में जा रहा है, तो अविलंब से दूर, तो अविलंब से दूर भाग गया। अविलंब से दूर नहीं भागा, तो ये क्या होगा? ये अविलंब से दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि सघन से कहाँ आ रहा है? काश सघन हो गया, हवा हो गया विरल। क्या हो गया? विरल। लेकिन ध्यान से देख, ये एक प्रकाश को जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। ये जो प्रकाश आ रहा है, ये एक प्रकाश को कैसे जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, जाना चाहिए था सीधा। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो कैसे होगा? ऐसे से हो जाएगा, हो जाएगा ना? ऐसे ना हो जाएगा। इसको जाना चाहिए था यही पथ में, जाना चाहिए था जो ब्लू डॉट दिखा रहे हैं उसी में इसको जाना चाहिए था ना। और इधर से कोई देखेगा कि किरण देखेगा कोई इधर से, तो बोलेगा कहाँ से आ रहा है? तो बोलेगा इधर से आ रहा है। नहीं बोलेगा कहाँ से आ रहा है? पीछे से। कहाँ से आ रहा है? यानी कोई इधर से देखेगा प्रकाश को तो क्या बोलेगा? लगता है इधर से आ रहा है। नहीं बोलेगा, लगता है कि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, सीधा ना जा रहा है, लग रहा है इधर से आ रहा है ना, लग रहा है ना। तो किधर से लग रहा है? ये लग रहा है पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पीछे से। कहाँ से आ रहा है? पीछे से लग रहा है, आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपतित किरण। ये क्या हो गया? ये आपतित किरण के पथ हो गया, और ये हो गया निर्गत किरण के पथ। इसको आपतित किरण बोलते हैं, भूल गया तुम लोग क्या? ये आपतित किरण, ये क्या हो गया? और ये बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया? निर्गत किरण। क्या हो गया? निर्गत किरण। तो ये आपतित किरण का पथ होना चाहिए था, और ये निर्गत किरण का पथ होना चाहिए था। तो आप देखिए, अब ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के आपतित किरण और निर्गत किरण, किसके बोल रहे हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के दूरी। तो बीच की दूरी इस तरह भी हो सकता है, यहाँ से हम यहाँ नाप लेते, ये भी दूरी हो सकता है, और यहाँ से हम यहाँ नापेंगे तो और बड़ा दूरी हो जाएगा। तो बीच की दूरी कैसे मापे? तो बीच की दूरी लंबिक दूरी, यानी समझ रहा है ना, लम डाल के नापना है। क्या करके नापना है? लम डाल के, यानी इस दोनों के बीच की दूरी, आपतित किरण निर्गत किरण और आपतित किरण, निर्गत किरण और आपतित किरण। तुम लोग बोलेगा यहाँ है, तो यहाँ आपतित किरण कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि इसी को आगे बढ़ाएं हम, इसी को आगे बढ़ाएं। ये तो है ना, लेकिन इसको कल्पना करके आगे बढ़ाएं ना। तो निर्गत किरण और आपतित किरण, निर्गत किरण और आपतित किरण की तिरछा दूरी ना है, तिरछा दूरी नहीं, क्या बोल रहे हैं हम? सीधा दूरी, यानी लंबिक दूरी, यानी लम डाल के, कितना डाल के? लम डाल के। क्या डाल के? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच की दूरी होगा ना, जो बीच के लंबिक दूरी होगा, उसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन समझा तुम लोग? क्या बोल रहे हैं? निर्गत किरण और आपतित किरण, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के लंबिक दूरी, तिरछा दूरी ना, ऐसे ये दोनों है। तो तिरछा मापेंगे तो ज़्यादा दूरी हो जाएगा ना, तिरछा मापेंगे ज़्यादा दूरी हो जाएगा ना। तो तिरछा दूरी नहीं, क्या? लंबिक दूरी। क्या दूरी? लंबिक दूरी, यानी लम डाल के, लम। तो लंबिक दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं? तो लंबिक दूरी हर जगह समान होगा, यहाँ भी उतने होगा, यहाँ भी उतने होगा, यहाँ भी उतने होगा, लंबी दूरी हर जगह समान होगा ना, लंबी दूरी हर जगह समान होगा। तो हर जगह जहाँ लम डाल के हम निकालेंगे दूरी, उससे क्या बोलेंगे? पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलेंगे? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन समझ गया? पूछा पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? क्या बोलना है? निर्गत किरण और आपतित किरण, निर्गत किरण और आपतित किरण, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के लंबिक दूरी को, लंबिक पार्श्विक विस्थापन कहते थे। लिख देते हैं यहाँ पर, आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण एवं, आपतित किरण एवं निर्गत किरण, निर्गत किरण यानी जो माध्यम से बाहर निकल रहा है, निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच की, बीच की लंबिक दूरी, लंबिक दूरी समझ रहा है ना, एकदम सीधा, यानी लम डाल के, लम लंबिक दूरी को, लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक, पार्श्विक विस्थापन समझ गया? ये पिक्चर बन जाएगा तुम लोग से। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन खत्म हो गया ना।
अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को बता देते हैं अपवर्तनांक उस समय पढ़ा रहे थे, छूट गया ना, अपवर्तनांक बता रहे थे, अपवर्तनांक पढ़ा रहे थे ना उस समय, अपवर्तनांक क्या पढ़ा रहे थे, कौन अपवर्तनांक पढ़ा रहे थे, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या बताए थे, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष तो बताते सापेक्ष अपवर्तनांक क्या करेंगे, तो दो गो अपवर्तनांक लेंगे, दो गो माध्यम लेंगे, दो गो और पहला माध्यम और दूसरा माध्यम के जो अनुपात होगा उसी को बोलेंगे क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या बोलेंगे, सापेक्ष माध्यम, सापेक्ष अपवर्तनांक को सिंपल बोलना है कि दो माध्यम का, दो माध्यम कुछ भी ले ले, पानी ले ले या हवा ले ले या पानी ले ले या कांच ले ले या कांच ले या किरोसिन ले या कांच ले या हीरा ले, को भी दो माध्यम लेना है, कितना माध्यम लेना है, हीलियम, दो माध्यम, तो दो माध्यमों के, दो माध्यमों के अपवर्तनांक, अपवर्तनांकों के अनुपात को, अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या कहेंगे, अनुपातों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, समझ गया, सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे कहते हैं, तो दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक, ऐसे मान ले पहला माध्यम ले रहा है, ठीक है ना, पहला माध्यम मान ले लिए हम, पहला माध्यम कुछ भी मान लेते हैं, पहला माध्यम मान लिए, माध्यम को क्या बोले थे, एन बोले थे, याद है तुम लोग को, माध्यम क्या बोलते हैं, एन, क्या बोलते हैं, तीन ले लिए पहला माध्यम, क्या ले लिए, पहला माध्यम, क्या लिए, एक माध्यम और लेना पड़ेगा क्योंकि हम दो माध्यम लिखे हैं, तो दूसरा माध्यम ले रहे हैं, क्या ले रहे हो, दूसरा माध्यम, तो दूसरा माध्यम को, माध्यम को क्या बोलते हैं, एन, क्या बोलते हैं, दूसरा है तो एन टू बोल देंगे, नहीं बोलेगा, बोलेंगे ना, अब पहला माध्यम दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, क्या करना है, अगर इसका निकालना है सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या निकालना है, यहाँ ध्यान दे, पहले यहाँ ध्यान दे, अपवर्तनांक बराबर तुमने सूत्र क्या बताया था, अपवर्तनांक बराबर सूत्र तुमने बताया थे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की, याद है तुम लोग को, अपवर्तनांक बराबर तुमने पढ़ाए थे कल कि निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी, और उस माध्यम प्रकाश की चाल यानी सी एम, सी सी आर एम मतलब मीडियम है, मतलब के अनुपात को अपवर्तनांक कहते, कल पढ़ाए थे तुम लोग को, याद है तुम लोग को, याद है, तो यहाँ ध्यान देते, यहाँ पर ये भी क्या है, ये अपवर्तनांक है ना, ये क्या है, कौन माध्यम का अपवर्तनांक है, तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक, पहला माध्यम का, किस माध्यम का अपवर्तनांक है, तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम का, तो अपवर्तनांक बराबर क्या पढ़ाए थे, निर्वात प्रकार की चाल यानी सी, निर्वात प्रकार की चाल यानी सी, और उस माध्यम प्रकार की चाल, उस माध्यम यानी कौन माध्यम, वन वाला माध्यम, तो यहाँ वन दे सकते हैं, तो सी बटा सी वन हो जाएगा, और एन टू बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका इसका भी वही होगा, ये क्या है अपवर्तनांक, क्या है, कौन अपवर्तनांक है, तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम का, तो इसके बराबर क्या होगा, तो होगा सी यानी निर्वात प्रकाश की चाल, सी यानी निर्वात प्रकाश की, और उस माध्यम प्रकाश चाल, उस माध्यम यानी कौन सी, दूसरा माध्यम में, यानी सी टू दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, अब निकालेंगे हम सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या निकालेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष, तो सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, पहला माध्यम, देखें यहाँ पे दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, पहला माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर, पहला माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक, पहला माध्यम का अपवर्तनांक, पहला माध्यम का, और नीचे क्या देंगे, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम का, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक लिख दिए, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला माध्यम का अपवर्तनांक को क्या बोले, एन वन, क्या बोले, तो यहाँ पर ऊपर हमें एन वन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक को क्या बोले थे, एन टू, क्या बोले थे, तो एन टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक यानी यहाँ ध्यान दे, अब किसका सापेक्ष किसका निकाल रहे हैं, यहाँ ध्यान दे, जैसे बोले थे, यहाँ ध्यान दे, जैसे हम लिख दिए एन वन टू, एन वन इसका मतलब हुआ कि माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष, माध्यम एक का अपवर्तनांक, समझ आ रहा है ना, अगर हम लिख दिए एन टू वन तो क्या बोलेंगे, माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, माध्यम दो का अपवर्तनांक, समझ आ रहा है, ऐसा लिख दिए हम एन, यहाँ लिख दिए पानी और यहाँ लिख दिए कांच, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पानी का माध्यम, पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, माध्यम पानी का अपवर्तनांक कांच के, बोलने से कैसे बोलेंगे, समझ आ रहा है ना, अगर लिख दिए हम यहाँ पर लिख दिए अब एन मतलब अपवर्तनांक, अगर यहाँ लिख दिए हम कांच, क्या लिख दिए, और यहाँ लिख दिए पानी, क्या लिख दिए, यानी माध्यम कांच का अपवर्तनांक, माध्यम कांच का पानी के सापेक्ष, पानी का, समझ आ रहा है ना, इसलिए यहाँ यहाँ पर इसका मतलब, इसके मतलब बताओ, माध्यम एक का अपवर्तनांक दो का सापेक्ष, माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक, यानी यहाँ पर हो जाएगा, तो इसके बराबर सूत्र क्या होते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एन वन ऊपर जाएगा और एन टू, यहाँ पर क्या है, माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, माध्यम दो का अपवर्तनांक, इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो एन टू ऊपर और एन वन नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब
माध्यम पानी का अपवर्तनांक काश के सापेक्ष, इसको पढ़ना सीख कैसे पढ़ेंगे, माध्यम पानी का अपवर्तनांक काश के सापेक्ष, यानी इसको क्या लिखेंगे, पानी का अपवर्तनांक ऊपर और काच का अपवर्तनांक नीचे, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं किसका, माध्यम दो का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं एक के सापेक्ष, इसको क्या लिखेंगे, एन टू वन लिखेंगे, माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, माध्यम दो का अपवर्तनांक, इसका मतलब समझ रहा है ना, माध्यम दो का अपवर्तनांक ऐसा लिख देंगे हम, क्या लिख दिए, एन थ्री फोर, यानी माध्यम थ्री का अपवर्तनांक फोर के सापेक्ष, पढ़ने सीख गया ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष बराबर एन टू ऊपर और एन वन नीचे, यही यहाँ पर है ना। हाँ। यहाँ पर माध्यम दो का निकाल रहे, तो दो कहाँ जाएगा, ऊपर कहाँ जाएगा, तो माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, एक के अगर निकालेंगे एन वन टू, अगर निकालेंगे क्या एन वन, तो एन वन ऊपर चल जाएगा एन टू, तो माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, तो एन टू ऊपर जो पहले है ऊपर जो बाद में है नीचे, इतना समझ गया। अब यहाँ ध्यान दे, एन टू बराबर क्या है, सी बटा सी टू है, एन टू बराबर क्या है, एन टू बराबर क्या है, सी बाय सी टू, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और इस माध्यम में प्रकाश की चाल, एन वन बराबर क्या है, सी बटा सी वन, सी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और वह सी वन मतलब उस माध्यम प्रकाश की, तो एन टू जहाँ पर हम लिख सकते हैं, न लिख सकते हैं, तो एन टू जहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सी बाय एन टू जहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सी बाय सी टू, सी बाय, और एन वन जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी बाय सी वन, सी बाय, ये सी क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, सी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और सी वन मतलब उस वन माध्यम प्रकाश की चाल, टू मतलब दूसरा माध्यम प्रकाश की चाल, समझ आ रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दे, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, यहाँ ध्यान सी बटा सी टू, सी बटा, अब ये भाग में है तो भाग को गुणा में कैसे बदलते हैं, तो तुम लोग सीखा है भाग को जब गुणा में बनाते हैं उसको पलट देते हैं, क्या करते हैं, जानता है तुम लोग भाग को गुणा में कैसे बदलते हैं, तो सब पलट के कैसे बदलते हैं, तो सब पलटेंगे तो कहाँ, सी वन कहाँ जाएगा और सी कहाँ आएगा, अब देखिए सी और सी खलास हो गया तो क्या बचा, सी वन बटा सी टू नहीं बचा, सी वन बटा, इसी प्रकार हमको अगर निकालना है, इसी प्रकार इसी दिखाई दे रहा है, ये देख ले थोड़ा, तो यहाँ ध्यान दे, इसी प्रकार इसी यहाँ पर निकाले एन टू वन, क्या निकाले थे, एन टू, अगर हमको निकालना है एन वन टू, क्या निकालना है एन वन, तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दे, इसी प्रकार अभी उतना कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना, इसी प्रकार क्या लिख देना है, इसी प्रकार यहाँ पर निकाले एन टू वन, क्या निकाले, क्या निकाले एन टू वन, क्या निकाले, तो क्या लिखे एन टू बटा एन वन, क्या लिखे एन टू बटा, तो यहाँ पर निकाल रहे हैं एन वन टू, तो क्या लिखना पड़ेगा, एन वन बटा एन टू नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ निकाले थे एन टू वन, यानी माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, तो दो वाला ऊपर एक वाला नीचे, यहाँ पर बोल रहे हैं एन वन टू, यानी माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष, तो वन वाला ऊपर दो वाला नीचे, अब यहाँ ध्यान दे, तो हो गया अपवर्तनांक, अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर निकाले एन टू वन, तो क्या आया, सी वन बटा सी टू, सी वन बटा सी टू, यानी माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, यानी यहाँ ध्यान दे, तो इधर यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर टू वन है, तो यहाँ पर क्या है वन टू, प्रकाश की चाल में क्या है वन टू, उल्टा है वन है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, उल्टा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टू ऊपर जाएगा, टू कहाँ जाएगा ऊपर, तो सी टू माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटा माध्यम एक में प्रकाश की कैसे, तो यहाँ समझ, यहाँ पर क्या था एन टू वन, क्या था एन टू वन, तो यहाँ पर लिखे लिखे वन टू, क्या लिखे माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, यहाँ उल्टा हो गया ना, तो यहाँ भी उल्टा होगा, तो यहाँ पर है वन टू, क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका उल्टा लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटा माध्यम एक में प्रकाश की, इतना समझ आया, ये डायरेक्ट हम लिख दिए, इसी प्रकार करके लिख दिए ना। अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम करते हैं क्या, अगर माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, यानी एन टू वन, एन टू वन, एन टू वन गुना कर देते हैं क्या, एन वन टू, क्या कर देते हैं एन वन टू, यानी माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष गुना, इसको जब बोल रहे थे यहाँ ध्यान दे, बंदर यहाँ ध्यान देना, इसको पढ़ना सीखना है तो भूल जाएगा फटाक से, माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष गुना माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष कर देते तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ ध्यान दे, तो माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष बराबर क्या है एन टू वन बराबर क्या है सी वन बटा सी टू, क्या है सी वन बटा सी वन बटा सी वन बटा और एन वन टू, यानी माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष बराबर क्या है सी टू बटा सी वन ना है, एन वन टू बराबर क्या है सी टू बटा, यहाँ लिख सकते हैं सी टू बटा सी वन, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अरे, अब क्या होगा सी वन सी टू खलास, यानी दो माध्यमों का अपवर्तनांक को अगर उल्टा करके गुना करते तो कितना आता है, एक कितना आता है, एक आता है, कितना आता है, एक आता है, यानी दो माध्यम ले ले पानी और कांच ले लिए, तो पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकाल ले, एक अपवर्तनांक हो गया ना, दूसरा निकाल ले कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, उल्टा निकाल लिए और जब दोनों गुना कर देंगे ना अपवर्तनांक का तो कितना हो जाएगा एक, कितना होगा, तो पूछेगा दो माध्यमों का अपवर्तनांक, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत ले लेते हैं, दूसरे के विपरीत
जब उसको गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, एक। क्या आ जाएगा? एक। कितना समझ आया तुम लोग को? हाँ, तो यही बताना चाह रहे थे कि एक कैसे होता है, समझ गया ना? तो लिख बोला, उसके बाद पहले वो लिख, उसके बाद ये लिखो, पिक्चर बना जल्दी फटाफट। यहाँ पर लिख देना ये क्या है, पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो यहाँ लिख देना है पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक यही है ना, ये क्या हो गया पार्श्विक विस्थापन, क्या हो गया? ठीक है, तो अभी हम तो हम लोग क्या देखे, एन वन टू, यहाँ ध्यान दे, एन टू वन और एन वन टू बराबर कितना था, वन था। इसका मतलब क्या होगा, माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, इसका मतलब क्या होगा, एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष, इसके बराबर हम देखें यहाँ पर, इसको इस तरह ले सकते हैं, इसको हम बराबर को ऊपर ले जाएंगे तो कहाँ है, गुना में बराबर को ऊपर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या जाएगा, एक बटा, ये हो सकता है ना, हो सकता है, तो एन टू वन बराबर क्या होगा, वन बाय एन वन टू, वन बाय एन वन। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दे, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर रहने देते हैं, ठीक है ना। अब इसको बराबर को ऊपर ले जाते हैं तो क्या है, गुना में है, बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये बराबर के ऊपर जाएगा, भाग में होगा, भाग में यानी क्या, नीचे, भाग में यानी क्या, नीचे, भाग में यानी क्या, तब बोलेगा तुम्हारा कि इस हम दे देंगे इस तरह लिख के, एन टू वन बराबर एन बटा टू वन, ये सही है, सही है, ये यहाँ टू वन है तो यहाँ भी टू वन है, यहाँ टू वन होगा क्या, यहाँ टू वन तो यहाँ वन टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ वन टू तो यहाँ क्या होना चाहिए, टू वन, समझ गए तुम लोग? हाँ, अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को अगर भूल जाएगा तो क्या, कैसे, एन मतलब होता है अपवर्तनांक, एन मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर तुम लोग भूल गए कि एन मतलब क्या होता है, भूल नहीं जाना, एन मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक, सी मतलब हुआ प्रकाश की चाल, सी मतलब क्या हुआ, सी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल, ऐसे घर में पढ़ना, सी फोर केट केट नहीं बगते रहना, सी मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ सी मतलब निर्वात में प्रकाश की, कितना बताए थे, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड बताए थे, हाँ, और सी वन मतलब क्या हुआ, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में, माध्यम माध्यम वन में, माध्यम वन में प्रकाश की चाल, माध्यम वन में प्रकाश की चाल, सी टू मतलब क्या हुआ, माध्यम टू में प्रकाश की चाल, माध्यम टू में प्रकाश की चाल, यही हुआ ना। फिर तुमको बताए थे एन वन टू, एन वन टू का मतलब क्या हुआ, एन वन टू का मतलब क्या हुआ, जल्दी बोल, माध्यम एक का अपवर्तनांक, इसको कैसे पढ़ना है, यहाँ ध्यान दे, माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो टू के सापेक्ष, टू के, माध्यम दो का सापेक्ष, माध्यम दो का, माध्यम दो के सापेक्ष, यही हुआ ना। और एन एन टू वन मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, माध्यम एक के, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक का सापेक्ष। अब तुम लोगों को कुछ एगो नियम निकल दे रहे हैं, बताना नियम लिखने तो समझ रहा है, आंकिक प्रश्न यानी जो मैथ सम जो बनता है उसी को बोलते हैं, यहाँ ध्यान दे, इसको मिटाते हैं, चलिए यहाँ ध्यान दे, जैसे हम दे दें कि यहाँ ध्यान दे, जैसे दे दें कि हम मान लें माध्यम माध्यम वन लिए, ठीक है ना, माध्यम वन हम ले लिए पानी, क्या ले लिए, माध्यम वन क्या लिए, पानी, और माध्यम टू क्या लिए, कांच, क्या लिए, कांच लिए, क्या लिए, कैसे सोल मेथ है वो बता रहे हैं, तो पानी प्रकाश चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना, यही होता है ना, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर। अगर हम तुमको बोल देंगे बताओ तुम लोग कि एन वन टू बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, यही बताओ, एन वन टू बराबर क्या होगा, यानी एक वन मतलब क्या, पानी, और टू मतलब क्या, कांच, वन मतलब पानी, टू मतलब, यानी पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, पानी का अपवर्तनांक, तो एन वन टू बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हम दिए क्या है, प्रकाश की चाल दिए, प्रकाश की प्रकाश की चाल दिए ना, और प्रकाश की चाल को हम बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं, याद है, तो हो जाएगा सी वन, ये हो जाएगा सी वन, ये सी, अब बताए एन वन टू बराबर क्या होता है, तो सी में लिखते थे, बताए थे तुम लोग को एन वन टू बराबर सी में कैसे लिखते थे, तो सी टू बटा सी वन, याद है, उल्टा करके लिखते थे ना, अब यहाँ से लिखकर तुम लोग को लाए थे, लाए थे ना, कि अगर एन वन टू लिखना हो तो लिखते हैं सी टू बटा सी वन, क्या लिखते हैं, अगर एन टू वन लिखना हो तो लिखते हैं सी वन बटा सी टू, उल्टा लिखते हैं, याद आया तुम लोग को, अभी हम सीख के लाए थे यहाँ पर, तो निकालना है एन वन टू, क्या निकालना है, वन मतलब पानी, टू मतलब, यानी पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकालना है, तो क्या करेंगे, सी टू बटा सी वन, सी टू बटा, तो सी टू कितना है, 2 × 10⁻ 2 × 10⁸
8, और C1 कितना है 2 × 2 = 5 × 10⁻⁸, कट जाएगा, काट देगा 2/2.25, यही होगा ना, स्क्वायर काटेंगे क्या होगा, दशमलव बल 2 × 2, दशमलव बल ऊपर कितना 1, दशमलव बाहर कितना 2 अंक, 2 शून्य हो गया, 2 × 2 = 5, 2 × 2 तो हो गया 200/225, काटेंगे इसको 25 बार में तो 8 बार में, 25 से काटेंगे तो 9 बार में, तो 8/9 इतने आया ना। उसी प्रकार निकालना है C2 / C1 मतलब कांच, 1 मतलब यानी कांच का उपतरा पानी के सापेक्ष, कांच का उपतरा तो बताते ना कि जब सीमा तो पका के चाल है, पका के चाल दिया हुआ है ना, तो कैसे लिखते उल्टा, यानी पहले 1 लिखते उसके बाद लिखते हैं, तो इसको निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो इसको निकाल सकते हैं हम C21 बराबर क्या C1/, तो C1 कितना है 2.25 × 10⁸, और ये कितना है C2 कितना है, यही है ना, ख़त्म हो गया, ऊपर क्या बचा 2.25 का और नीचे 2 का, अब दशमलव हटेगा, दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे होगा 2 शून्य होगा, काट दे उसको, तो कितना बार में 9 बार में, कितना तो 9/8 हो गया ना हुआ, तो यही जब प्रकाश की चाल देगा पूछेगा सापेक्ष अपवर्तनांक, पूछेगा इस तरह निकालने तो निकाल देगा ना, इस तरह पूछेगा निकालने तो निकाल देगा ना, निकाल देगा इस तरह निकाल देगा। अब तुमको बताए थे कि N21 निकालना था, अगर N12 को उल्टा कर लेंगे तो आ जाएगा है, देखो यहाँ पर N21 इसको देखो उल्टा है, N12 कितना निकाले 8/9, उसी का उल्टा यहाँ है 9/8 है ना, तो उल्टा होता है, उल्टा होता है, अगर N12 कितना है 8/9, तो N21 क्या होता है, N21 का उल्टा करेंगे तो होगा, देखें आप N21 का उल्टा है 9/8 उल्टा है ना, तो यही इस तरह पूछा बना लेगा ना, जल्दी कर इला लिख ले, इलिख उसका इलिखा इला लिख लेना, ये दो लिख लेना, नुम लिख कर ठीक है ना, चल बंद करते हैं, कल पढ़ाएंगे प्रिज्म और लेंस।